हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक DDA ASO 2023। तो यह जो रिक्रूटमेंट जो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है। तो यह पोस्ट नेम जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है। तो नंबर ऑफ पोस्ट इसके अंतर्गत जो है 125 पोस्ट उपलब्ध है। अप्लाइंग डेट इसमें जो है 3 जून 2023 से 2 जुलाई 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम जो है अगस्त 2023 में कंडक्ट होगा। तो एज लिमिट इसका जो है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट। तो ये क्लोजिंग डेट पर जो है आपका 30 ईयर्स से जो है ज़्यादा एज आपका नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियमानुसार SC ST और OBC कैंडिडेट को छूट उपलब्ध है। एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी के लिए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी विषय में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। और दूसरा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, आप जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंट आपको होना चाहिए। तो इसका आपको टेस्ट भी लिया जाएगा अलग से। एग्ज़ाम पैटर्न, इसका एग्ज़ाम जो है दो स्टेज में कंडक्ट होगा, Stage 1 और Stage 2। और इसमें आपको DEST भी कंडक्ट होगा, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो Stage 1 पहला आपका जो है Stage 1 जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएगा CVT। तो इसमें आपका जो है चार पेपर में आपको बटा रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का हो जाएगा। इसके लिए आपको जो है 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। तो इसका जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है बिल्कुल आपका SSC का एग्ज़ाम पैटर्न है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एग्ज़ाम होता है बिल्कुल आपका सेम है प्रीलिम्स का। अब हम लोग देख लेते हैं Stage 2। तो Stage 2 भी आपका जो है ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा। तो Stage 2 में आपका जो है दो सेशन में बटा होगा, Session 1 और Session 2। और Session 1 आपका जो है 3 सेक्शन में बटा होगा, Section 1, Section 2 और Section 3। तो Section 1 आपका जो है इसमें मैथ में 30 क्वेश्चंस 3 मार्क्स का, इसमें टोटल आपका हो गया 90 मार्क्स टोटल। रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चंस 3 मार्क्स का, इसमें 90 मार्क्स टोटल हो गया। तो मैथ और रीजनिंग के लिए आपको जो है 1 घंटे का कंबाइंड टाइम आपको मिलेगा। फिर आपका Section 2 होता है, इसमें इंग्लिश 45 क्वेश्चंस 3 मार्क्स का, तो ये 135 मार्क्स टोटल हो गया। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस 3 मार्क्स का, ये जो है 75 मार्क्स हो गया। तो ये दोनों पेपर जो है एक साथ कंडक्ट होगा, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और तीसरा सेक्शन है Section 3, इसमें जो है कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें सिर्फ आपको पास करना है, इसका नंबर जो है मेरिट प्रिपरेशन के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। तो कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट जो है 20 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ये हो गया 60 मार्क्स का। इसमें जो है 15 मिनट के लिए टाइम इसमें मिलेगा आपको। अब जो है उसके बाद जो है Session 2 जो कि सेम डे कंडक्ट हो जाएगा, दोनों एग्ज़ाम जो है एक साथ कंडक्ट होगा। तो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट ये भी जो है क्वालिफाइंग है, इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो इसमें आपको 15 मिनट के बराबर जो है एक पेज पर आपको लिखा हुआ रहेगा, उतना आपको टाइप कर देना है 15 मिनट में। तो इसमें देखते हैं कि जो है आपका Stage 1 जो कि बिल्कुल आपका SSC पैटर्न पर है, और Stage 2 तो इसमें जो है आपका ये SSC CGL का बिल्कुल आपका सेम आपका मिलता है, प्रीलिम्स भी सेम है और मेंस भी आपका सेम है SSC CGL पैटर्न पर। तो इसके लिए बुक्स और स्टडी, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है क्वालिफाई करने के लिए आपको बुक्स काफ़ी मायने रखता है। आप कैसा बुक सेलेक्ट करते हैं और स्ट्रेटजी, आप कैसा स्ट्रेटजी अपनाते हैं और आप कैसा गाइडेंस लेते हैं। तो बुक्स और स्ट्रेटजी के लिए आप देख सकते हैं हाउ टू क्रैक SSC CGL 2022। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में आपको दिया हुआ रहेगा, इसमें डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन सा बुक्स इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे और अपना स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो इसके लिए अलग से आपको पेपर बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स के लिए SSC CGL का जो है प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसके लिए सॉल्व कीजिए, और मेंस के लिए Stage 2 के लिए जो है
तो वो उसके लिए भी एसएससी सीजीएल का मेंस पेपर जो है स्टेज टू का पेपर जो है सॉल्व कीजिए। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।